हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल देर शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनटीए दो दिनों के अंदर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़ी हुई 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और अंतिम फैसला सुरक्षित रखा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोर्ट पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाए। इसके साथ ही फिजिक्स के एक सवाल के मामले में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को सही मानते हुए कोर्ट ने कहा कि विकल्प नंबर 4 को ही सही माना जाएगा। यह बेहद महत्वपूर्ण है, इसके कारण पूरी मेरिट लिस्ट पर फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए किसने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया, जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए उनको ही उत्तर देना पड़ेगा, किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई, विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबीश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि इस मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका स्वागत है। नीट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है। सरकार जो बार बार कह रही थी, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी वही आया है। आप क्या कहना चाहते हैं, लाखों युवाओं के लिए एक राहत की सांस आई है, व्हाट्स योर टेक? जैसे मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था, सत्यमेव जयते, यही सही रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। लाखों बच्चों ने बड़ी मेहनत से यह एग्जाम दिया था, कुछ छोटी घटनाएं हुई थी कुछ आइडेंटिफाइड सेंटर्स पे, एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती थी, उस पर सरकार भी कड़ी कार्रवाई ले रही है, कर रही है। कुछ बच्चों का तो री एग्जाम हो चुका है और कुछ सेंटर्स पे जहां कुछ गलत काम हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सीबीआई जांच के द्वारा की जा रही है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट इसके लिए बार बार कोशिश करते हैं कि नीट बंद हो। इसमें डीएमके जैसे पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। उनको जो सामान्य स्टूडेंट्स को आज लाभ मिल रहा है, बिना कैपिटेशन फी पे करे, जो आज गरीब से गरीब व्यक्ति आज नीट का एग्जाम देके मेडिकल कॉलेज में भर्ती ले पाते, विशेषकर जो मातृभाषा में एग्जाम देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, उससे एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं उसको भी जो मौका मिल रहा है, उससे ये बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस जो राजनीतिक प्रभाव में रहे कुछ राज्यों में, उससे डीएमके का और कांग्रेस का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ।
जी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज आपने नाम लिया वो री एग्जामिनेशन के लिए भी बोल रही थी, अगर वो री एग्जामिनेशन सरकार करवा देती तो आज लाखों छात्रों का भविष्य भंवर में लटक जाता। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने तब चुप्पी साधी रखी और फाइनल डिसीजन आया है? आज आप उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो री एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे थे? मैंने जैसे बताया उनका पर्दाफाश हुआ है, उनको सिर्फ राजनीतिक लाभ और कुछ ही चंद कॉलेजेस का लाभ करने का हेतु था, वो पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो गए। जी जी। और आज उन्होंने माफी मांगनी चाहिए देश से, जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट में भी हंगामा किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और देश को भ्रमित करने की कोशिश की, कांग्रेस और डीएमके ने विशेष माफी मांगनी चाहिए देश। हालांकि देखिए अब इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है और सरकार जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। हम इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं और हमारी सरकार की, हमारी मंत्रालय की पहले से ही स्टैंड थी कि कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उस आदेश को हम मानेंगे। हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बार बार ये दोहराया है, हाउस में भी उन्होंने बोला है कि हम कुछ हाइड नहीं करना चाहते, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है। और जिस तरीके से ये ऑर्डर आया और उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोर्ट ने, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड जी ने जो ऑब्जर्वेशन रखा उसमें, उन्होंने बताया कि ऐसे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कहा जा सकता है कि बड़ी तरीके से कोई लीकेज हुआ है या ब्रीज इन द प्रोसीड्योर हुआ है। शायद लगता है जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच के जो तथ्य थे वो सामने सुप्रीम कोर्ट के नहीं रखे होंगे, क्योंकि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है और सरकार एनटीए को बचाना चाहती थी पहले दिन से। देश के शिक्षा मंत्री झूठ बोलते चले जा रहे हैं, संसद से लेकर सदन से लेकर हर जगह पर, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सरकार एनटीए के चेयरमैन जोशी को बचाना चाहती थी, क्योंकि जोशी पहले भी बीजेपी के इशारे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहे हैं और वहां पर हो सकता है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चों के साथ उन्होंने एडमिशन्स और नौकरियों में कुछ ना कुछ उनकी मदद की हो, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है।